हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैकल्टी मेंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो रिकॉर्डिंग का है, यूजिंग द सॉफ्टवेयर कैमशिया। वो रिकॉर्डिंग का है हमारे पास और हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं अभी। इसके अंदर पहले जो स्टेप है हमारे पास, इसको हमें स्टडी करना है। वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसके थ्रू हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होंगे और कैसे काम करेंगे, किस तरह से होगा। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, जो प्रोसेस है जो हम देखना चाह रहे हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं कि कैमटेशिया है क्या। सबसे पहली बात ये, आप कैमटेशिया को जब हम उसको ओपन करेंगे तो आपके पास, अगर अकबर अनलाइसेंस्ड है, हमारे पास लाइसेंस के, आपके सोहेल से रब्ता कर सकते हैं। तो अनलाइसेंस के अंदर अभी देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसके अंदर आपके पास पहली चीज़ आएगी साइन इन टू स्टार्ट ट्रायल, सही है। अगर अनलाइसेंस है, आपने डाउनलोड किया हुआ है, अच्छा, इसमें आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके पास जो है लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद, यानी इस तरह से होगा, आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब ये लॉगिन आपके पास हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, देन यू विल गो फॉर इट। तो आपके पास यहाँ पे बताएंगे कि आप किस तरह की वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे फोर्थ के अंदर मैंने स्टूडेंट प्रोजेक्ट लिखा, उसको सबमिट करवा दिया। जब मैं सबमिट करवा दूंगा मैं इसमें, तो इसके बाद होगा क्या कि आपके पास इस तरह की जो है स्क्रीन आ जाएगी। ये इस तरह की स्क्रीन के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है कि फुल स्क्रीन को प्रेस करना है। जैसे ही आप फुल स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो आपके पास साइड में ग्रीन ग्रीन डॉट्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स आना ज़रूरी है। देखिए, आप इस माउस को देखते चले जाइए, ये ग्रीन डॉट्स जो है वो आने ज़रूरी है। जब ये ग्रीन डॉट्स सबको दिखाई दे रहे होंगे, इसके माने ये पूरा एरिया है जो रिकॉर्ड होगा, सही है। और रिकॉर्ड होने के बाद जब हम ये बटन रिकॉर्ड का दबाएंगे तो इसमें आपके पास टाइमर आएगा, इसको 3, 2, 1, और उसके बाद लिखा होगा कि आपने रिकॉर्डिंग जब बंद करनी है तो यू हैव टू प्रेस F10। F10 को आप प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, और रिकॉर्डिंग रुकने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लेके चल रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग शुरू कैसे करनी है। यहाँ भी देखिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, लाइसेंस है हमारे पास, तो आपके पास सॉफ्टवेयर की कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे इसको। और रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ये वाली स्क्रीन आएगी, और इसके अंदर आप फुल स्क्रीन को क्लिक करें और उसके बाद रिकॉर्ड को क्लिक करें, अपना काम करना शुरू कर दीजिए, सही है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें जो हैं आपको इनिशियली जैसे वर्क करना है वो आपको मैंने बता दिया है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसका इंटरफेस होता है कैसा है कैमशिया का, सही है। आप देखना चाहें, ये देखें, आप देख सकते हैं, सही है। अब ये रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऑलरेडी हो रही है, ये आपको दिखा भी रहा है कि ये रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो रही है। और मैं इसको करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं कि 2 मिनट की वीडियो है हमारे पास। अगर आपने क्या करना है, ये रिकॉर्ड हुआ भी ऑडियो का बता रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको पॉज का बताना चाहें तो पॉज हो जाएगा, स्टॉप करना चाहें स्टॉप हो जाएगा। ये सब फैसिलिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है कि आपने इस वीडियो को किस तरह से जो है, जिसे बोलते हैं, स्टोर करवाना है या उसको सेव करना है या किस तरह से आपने काम करवाना है। तो आपके पास कैमशिया का ये इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास जो है, आप शेयर पे जाएंगे और इसकी लोकल फाइल, सही है, शेयर पे जाएंगे और उसकी लोकल फाइल को क्लिक करेंगे। और लोकल फाइल को क्लिक कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही फाइल ओपन होगी, और ओपन होने के बाद आपके पास अगर लाइसेंस्ड है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास ये वाला वर्जन नहीं आ रहा होगा, ये वर्जन आ रहा होगा, आप इसको डायरेक्ट जो चला सकते हैं, ये देखिए, सही है, एंटर की डाल के चला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, हमारे पास हम क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रोड्यूसर्स वाटरमार्क के थ्रू हम उसको चला देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलकम टू कैमटेशिया विजर्ड आ रहा है हमारे पास, जिससे हमें काफ़ी काम आसान हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास HTML5 बेस्ड जो है वीडियो बना के देता है, जिसका कंप्रेशन साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आपके पास बहुत छोटी सी वीडियो बन जाती है और बहुत हाई क्वालिटी के साथ। हम इसको नेक्स्ट करेंगे, देख लीजिए, MP4 प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर, HTML5 है हमारे पास, इसको नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास ये सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे बताने के लिए। मैं एक एक बता देता हूँ कि ऑटो हाइट कंट्रोल, वीडियो कंट्रोल, साइज़ क्या होगा आप बता सकते, एक्सपेक्ट रेशो बता सकते हैं आप, तमाम चीज़ें, वीडियो सेटिंग बता सकते हैं कि वीडियो सेटिंग क्या होनी चाहिए, क्वालिटी बता सकते हैं वीडियो की कैसी होगी, हमने नॉमिनल रखा हुआ 48%। अगर आप समझते हैं आपकी वीडियो का साइज़ बड़ा है तो आप स्मॉलर फाइल साइज़ बना लें, इसको आप आगे पीछे कर दें, येस इट इज़ पॉसिबल फॉर यू गाइज, ये आप कर सकते हैं। NTSC मोड है हमारे पास कलर, जो कि अच्छा माना जाता है।
और उसके बाद ऑडियो सेटिंग अब 128 kbps है हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं 2019 के, ये हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं इसको जब नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये कुछ चीज़ें, ई लर्निंग लेसन विजुअलाइजर, प्रोड्यूसर पैकेट, ई लर्निंग, ये हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना हम वाटर मार्क यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ना कुछ हम बता रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो आपका टाइटल का प्रोजेक्ट, यानी यहाँ आपने जो है इस जगह पे आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। जब आप यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे हमारे पास, तो ये वीडियो सेव हो जाएगी, और ये फिनिश का बटन दबाएंगे तो वीडियो हमारे पास सेव हो जाएगी। अच्छा, जब वीडियो हमारे पास सेव होगी तो ये लगेगी कैसे, ये हमारे पास किस तरह से देखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका यहाँ पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर बना हुआ है कैमशिया का, और इसके अंदर जो है आपके पास, अगर मैं डिस्क्रीट मैथ्स की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये वीडियो जो है बनी हुई आ रही है, और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी वीडियो, सही है। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसको प्ले करूँगा तो ये आपके पास सब चीज़ें आपको पास बनी हुई आ रही हैं कि आपने करना क्या है, कैसे कुछ करना है। और ये वीडियो जो है वो आपको जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करवानी होगी, और शेयर करवाने के लिए जो लॉजिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शेयर किस तरह से लॉजिक होगी। देखिए, अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा अभी कैम्पशिया को आपने दो तरह से कैम्पशिया को फॉलो कर सकते हैं, एक ये कि उसका लाइसेंस और दूसरा अनलाइसेंस, सही है। अगर आपके पास अनलाइसेंस है, अगर आपके पास जो ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन के अंदर वो आपको कहेगा आप रजिस्टर करवाइए, और आप रजिस्टर कैसे करवा रहे होंगे मैं आपको ये बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप रजिस्टर कैसे करवाएंगे, आप जो है ये इंस्टॉलेशन आपने की, आपने स्टार्ट टू ट्रायल आपने बताया, नंबर वन पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ लेके जाएगा, आप अपना अकाउंट को ऐड करवाइए और उसको क्लिक कर देंगे आप, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ आएगी, आपने किस तरह की वीडियोस बनानी है कैम्पटेशिया के ऊपर, आपने बता दिया स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स होंगे मेरे, और आप उसको सबमिट करवा दें। जब सबमिट करवाएंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपका रिकॉर्ड वर्जन ओपन होगा। जब रिकॉर्ड वर्जन ओपन होगा हमारे पास, तो हमारे पास इस तरह की वीडियो, इस तरह का हमारे पास नीचे छोटा सा एक इंटरफेस आ रहा होगा, छोटा सा एक मेन्यू आ रहा होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर ये कभी भी काम नहीं करेगा, हमारी फैकल्टी गलती ये कर रही है कि वो फुल स्क्रीन को क्लिक ही नहीं कर रही, तो फुल स्क्रीन को क्लिक ही नहीं कर रही हमारे पास, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। और उसके बाद आप इसको छठा स्टेप क्या है, रिकॉर्ड का, जब हम ये रिकॉर्ड का स्टेप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जैसे आपने अभी के अभी देखा। और उसकी पहचान क्या है, ये ग्रीन कलर की लाइन्स जो है अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो जो है एरिया सिलेक्टेड नहीं है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है, आपका जो ओपन होगा वो होगा ओपन जिसे बोलते हैं गूगल के अंदर या यूट्यूब के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। लेट से कुछ मुझे फैकल्टी ने सजेशन मुझे दी थी, सर आप ऐसा करें कि आप जो है वो माई ड्राइव में रखवा दें। यस, देखिए माई ड्राइव के अंदर भी रख सकती हैं, रखी जा सकती हैं वीडियो, आप आराम से वीडियो उसको रख सकते हैं माई ड्राइव के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी वीडियो रखी, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे वीडियो रखी है, और ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स को आप शेयर करवा सकते हैं इसका लिंक। लिंक करवाने के, शेयर करवाने के लिए जैसे आप राइट क्लिक करेंगे और आप जो है गेट शेयरेबल लिंक, आपके पास ये आ जाएगा, जैसे आपने इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपके पास कॉपी हो जाएगा। और ये कॉपी होने के बाद फिर आपने क्या करना है कि गूगल क्लास में ओपन करना है। अब गूगल क्लास है कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, सही है। तो आपने सबसे पहले करना है, लिखना है गूगल, और गूगल में जैसे आप करेंगे आपके पास 9 डॉट्स आने चाहिए। डाइन 9 डॉट्स आने लेने के बाद यस, आपके पास आ गया। मैंने गूगल क्लास के लिए अपना दूसरा जिसे बोलते हैं यूज़ किया है अकाउंट गूगल का, जिसको मैंने यूज़ किया है, तो मैं उसी को चाहूँगा कि यूज़ करूँगा। तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, जैसे उसको ओपन करूँगा मैं तो आपके पास यहाँ पे 9 डॉट्स आएंगे। 9 डॉट्स आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गूगल क्लासरूम ओपन करूँगा। क्लास वो मैंने, आपने देखा कि मैंने वीडियो का लिंक ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, और कॉपी कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर किसी भी लेट से माइक्रो प्रोसेसर की मेरी क्लास है, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन कर लेने के बाद मैं यहाँ पर जो है उसका लिंक जो है वो शेयर करवा दूँगा, सही है। अब लेट से ये वाला लिंक है मेरे पास, और ये करवाने के बाद अगर मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा तो मेरी गूगल ड्राइव का जो है लिंक शेयर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ इनडेफिनेट टाइम के लिए बच्चों को लिंक अवेलेबल रहे तो मैं इसको पोस्ट करवा दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अवेलेबल रहे तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको स्केजल कर दूंगा।
इसका स्केड्यूल के मतलब ये है कि मैं बता दूंगा कि भाई आज 18 है, तो 18 नवंबर से लेकर 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, सही है? तो मैंने ये कह दिया कि ये रात 12 बजे तक जो है वो बच्चों को दिखाई दे देता रहे ये वाली वीडियो, तो मैं इसको 12 तक क्लिक करके इसको स्केड्यूल कर दूंगा, सही? जब मैं इसको स्केड्यूल कर दूंगा तो ये होगा क्या कि अब ये वाली चीज़ जो है मेरी, जिसे बोलते हैं, ये आपको स्टूडेंट्स को जो है अवेलेबल हो जाएगी, और आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट उसी टाइम के ऊपर, जो है ये आपको वह वीडियो स्टूडेंट के लेवल पे हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा, कि उस टाइम के अंदर आपके पास स्केड्यूल कर दिया तो 6 बजे जो है वो, 12 बजे जो है वो वीडियो आपके पास अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो आप टाइम के थ्रू भी इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्टूडेंट ने मुझसे पूछी कि सर हम अटेंडेंस का ऑनलाइन अटेंडेंस लेना चाहते हैं, आप बताइए उसके लिए हमें क्या करना होगा। सही, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हम क्या करना चाहते हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लेनी है तो मैं क्या करूँगा। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए सबसे पहले मैं इसी क्लास को ले लेता हूँ, इसको बताता हूँ मैं। अच्छा, और इसको बताने के लिए बल्कि मैं पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ और फिर शेयर करवा लेता हूँ। तो मैंने एक जो है फॉर्म आपको शेयर करवाया सारी फैकल्टी को यहाँ पर, इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस है, सही है? इसमें फ़ायदा क्या है आपके पास कि आपके पास ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लिखा है, न्यू कोर्स सी एस अटेंडेंस लिखा है, फुल नेम लिखा हुआ है, आईडी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है और उसके बाद आप अपने कोर्सेज, के नाम यहाँ लिख दें, कैलकुलस लिख दें, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें, माइक्रो प्रोसेसर लिख दें, जो आपके कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं उन सारों के आप नाम लिख दें, और आप रिक्वायर्ड इसमें करने के बाद आईडी बाकी कोई आप चेंज ना करें, और इसको आप सेंड करवा दें या इसको आप सेव कर दें। जैसे ही आप उसको करवाएंगे सेव, जैसे ही आप उसको सेव करेंगे, सेव आपने क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव के अंदर सेव करना है। जब गूगल ड्राइव के अंदर आप सेव करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपके पास ये फॉर्म जो है, जैसे मैंने गूगल ड्राइव पर रखा हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ, ये गूगल ड्राइव के अंदर ये फॉर्म मैंने, ये आप देख लीजिए, ये फॉर्म देखे मैंने यहाँ पे सेव किया है। सेव करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है आपके पास कि मुझे हर क्लास के अंदर शेयर करवाने में आसानी है, और इसका टाइम भी बता सकता हूँ कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे शेयर करवाना है, सही है? तो अब मैंने क्या किया कि मैं दोबारा से मैं इसको बताता हूँ, ऑनलाइन, के अंदर हो क्या रहा है आपके पास, ये तमाम की तमाम चीज़ें, स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा या अपनी आईडी लिखेगा, यहाँ पे जो कोर्स है उसको ड्रॉप डाउन करेगा। मैं इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, प्रीव्यू लगेगा कैसा आपको, करके भी दिखा देता हूँ। तो इसमें फुल नेम लेट से मैंने लिख दिया इमरान, और मैंने आईडी लिख दी 62321, ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद चूज अभी कौन सी वाली क्लास के अंदर लगवाना चाहता है, ये अगर माइक्रो प्रोसेसर में लगवाना चाहता है तो यहाँ पर आ गई हमारे पास, इसको हमने मार्क किया प्रेजेंट, और जैसे मैंने सबमिट करवा दी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अटेंडेंस हैज़ बिन मार्क्ड, या आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अटेंडेंस लग गई है। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सेज हमारे पास क्या आ रहे हैं आप हमारे पास, तो हम इसके एक्सेल फाइल के अंदर इसको ओपन करके, सही है, हम उसको देख भी सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करवाऊँगा, क्रिएट करवाने के बाद एक्सेल फाइल बन जाएगी, और एक्सेल फाइल के अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि अटेंडेंस किसकी आ रही है नहीं आ रही। तो आप यहाँ देखें, हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो इमरान की आ रही है यहाँ पर, और ये 18:03 है, 4:39 से इमरान साहब ने अटेंडेंस लगाई, प्रोसेस था प्रेजेंट, सही है? उसके बाद जो है इसका मतलब ये लोग मौजूद थे क्लास के अंदर, उन्होंने प्रेजेंट अपनी मार्क कर दिए, और ये स्टूडेंट्स की ये प्रेजेंट्स हैं जो उन्होंने हमें मार्क करके दी हुई हैं, सही है? तो आपने क्या करना है, मैंने आपको फॉर्म ऑलरेडी शेयर करवाया हुआ है, ये फॉर्म जो है वो आपके पास क्या कहते हैं सर, इमरान ने बनाया फॉर्म, इज़ ए वेरी वेरी गुड फॉर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये कर लेने के बाद आपने फॉर्म किस तरह से गूगल क्लास के अंदर ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ लिखा मार्क योर अटेंडेंस, सही है, और आपने इसका टाइम जो है वो बना दिया स्केड्यूल, वो आपने बना दिया कि ये शुरू होगा, लेट से इनकी क्लास है नेक्स्ट क्लास, यानी कि इनकी कल क्लास थी, तो एक इनकी क्लास है 18 को और अगली क्लास होगी 25 को, सही? आपने 25 को आपने कह दिया कि ये क्लास 6 बजे शुरू हो जाए, सही, और 6 बजे हो जाए, और आपने इसका स्केड्यूल कर दिया, सही, और स्केड्यूल कर लेने के बाद मैं इसको दोबारा बताता हूँ करके,
सही। अब मैंने बता दिया आपके पास कि ये क्लास है, आपका ऑनलाइन अटेंडेंस का फॉर्म है, ये ओपन हुआ हुआ है, और आपने ड्यू बता दिया इसको कि ये कहाँ से लेकर कौन कहाँ तक है, और अनग्रेडेड आपने करना है इसको, ग्रेडेड नहीं करना, ऑल स्टूडेंट्स होंगे इसमें, आपने ड्यू बता दिया कि ये कहाँ से लेके है। अच्छा, इसमें आपने बताया कि ड्यू डेट एंड टाइम, यानी कि अब आपको 17 महीने के जो लास्ट कल की क्लास थी आपने बता दिया था 859 अटेंडेंस मार्क होगी, तो यहाँ पर आपकी अगली क्लास कब है, 25 को है, तो सॉरी 24 को क्लास है, तो आपने 24 को रखा यहाँ पर और टाइम इसका 859 कर दिया। इसका मतलब आपकी क्लास जो है वो जो शुरू हो रही है वो आपके पास 24 के पास आपको वो रात 9 बजे तक, 8:59 तक वो बच्चा अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकता है और वो उसमें चीज़ें वो जा सकती हैं। तो आप इसको सेव भी करवा सकते हैं, और सेव भी करवाएंगे आप, सेव करवाने के बाद और ऑनलाइन अटेंडेंस भी आ गई, तमाम चीज़ें आ गई इसमें, और मैं डेट देखना चाह रहा हूँ दोबारा से कि डेट जो है वो, ये सारे बच्चे जो हमारे पास ऑनलाइन हैं उनके सब के सब ईमेल एड्रेसेस हैं, इसको मैंने सेव करवा दिया और ऐड भी करवा दिया, और ठीक है ये आपके पास आ गया। अब ये जो पोस्ट है मैं देखना चाह रहा हूँ कि पोस्ट जो है सही है, बिल्कुल ये आपको बता भी रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ड्यू डेट आपको बता दी है, एडिटर आपके पास आ गया, असाइंड आपके पास आ गया, टर्न इन आ गया, जिनके असाइनमेंट्स आ गए, व्यू असाइनमेंट्स आपके पास, व्यू असाइनमेंट देखना चाह रहा हूँ मैं, व्यू असाइनमेंट भी देख सकता हूँ मैं, किस किस ने जमा करवाए, क्या क्या करवाए, और इसके अंदर मैं इसका टाइम देखना चाह रहा हूँ एक्चुअल के अंदर है क्या। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ये करेंगे तो मैंने आपको दिखा दिया कि अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, चीज़ें कैसी होंगी, डेटा आपके पास किस तरह से आएगा, और एक आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपके पास, आप अपने आपको खुद ऐसे स्टूडेंट के तौर पर ऐड करवाएं, इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अटेंडेंस लगानी है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्म भेजा हुआ है, फॉर्म कौन सा वाला मौजूद है, ये वाला फॉर्म मौजूद है आपके पास, ये मैंने आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर अपने कोर्सेज के नाम डालना, कोर्सेज के नाम डालने के बाद उसको सेव करवा देंगे। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं आप ये बटन प्रेस करें, यू में से इट्स प्रीव्यू, ये प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा, आप भर के देख सकते हैं, इसको सबमिट करवा दीजिए, सब सबमिट करवा देंगे आपके पास, आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ये चीज़ है। अच्छा, ये आपने जो सेव करना है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर सेव करना है, गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास गूगल ड्राइव के अंदर यहाँ फॉर्म पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मैंने लिंक क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है, गेट शेयरेबल लिंक, ये मैं कॉपी करूँगा मैं, और कॉपी करने के बाद इसको मूव करवा दूँगा, शेयर करवा दूँगा किसमें, अपने की जिसे बोलते हैं क्या नाम है, गूगल क्लास के अंदर शेयर करवा दूँगा, और गूगल क्लास के शेयर करने करवाने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ होगी वो मैं जाऊँगा इंस्ट्रक्शंस पे, सही है, इसमें मैं जाऊँगा यहाँ पे जाके जो है मैं यहाँ लिखूँगा, और लिखने के बाद जो है मैं इसका लिंक कॉपी करवा दूँगा, लिंक कॉपी करवाने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको पोस्ट करूँगा, पोस्ट करने में स्केड्यूल डाल दूँगा, स्केड्यूल के माने वो 6 बजे जो है अगर क्लास है तो 6 बजे जो है खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब हम उसके अंदर में जब ओपन करूँगा तो ओपन करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो है वो जो आपके पास लिंक है वो तकरीबन 9 बजे तक, यानी 6 बजे तक क्लास शुरू की, 9 बजे के दरमियान जो बच्चा वो फॉर्म जमा करवा दे स्कूल फॉर्म का, उसकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी, सही है, तो और आप जो है इसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस 17 की हमने लगाई जा चुकी है, और इसके अंदर मैं एडिट करके दिखा भी देता हूँ कि एडिट करने के बाद जो है तमाम स्टूडेंट लगाई है, मार्क अटेंडेंस बता दी आपके पास, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, तो सब बच्चों के अटेंडेंस यहाँ पे मार्क हो जाएगी। कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई कोई कन्फ्यूजन है देन यू में इजली आस्क, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं बता भी दूंगा आपके पास। अच्छा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, नंबर 2 इसमें क्लास वर्क है, क्लास वर्क बच्चों को जो आपने दिया आपको पता लग जाएगा किसने असाइनमेंट जमा करवाया, किसने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया, आपके पास उसके नाम भी आ जाएंगे लिखे हुए, सही है, और ये आप ड्यूरेशन के अंदर बताएंगे कि इस टाइम से इस टाइम के दरमियान जो है आपने मार्क करना है, इस टाइम के मार्क नहीं करना, ये आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत है,
स्टूडेंट वर्क आप देख सकते हैं, आप टर्न इन देख सकते हैं, आप उनके असाइनमेंट देख सकते हैं, आप यू कैन इजली थिंक इजली वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी यस यू कैन इजली डू। अच्छा ग्रेड्स देख सकते हैं क्योंकि ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं हमारे पास, उसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि हमारे एक बच्चे ने असाइनमेंट जमा करवाया है, शाजिफिंग ने जमा करवाया है, एस के वकास ने जमा करवाया है और वकास अख्तर ने जमा करवाया है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं इसको देख भी सकता हूँ ये सबमिशन। सही, तो उन्होंने कोई फाइल जो हमें सबमिट नहीं करवाई है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो अगर हमें बताना है कि भाई आपका ये असाइनमेंट था या जो भी कुछ था, हमको प्राइवेट मैसेज दे भी सकते हैं इसमें। इस समझ लीजिए जितनी आप उसको खेलेंगे इसके साथ उतना जो है ये आपको चीज़ें सीखने की मिलेंगी, चीज़ें को आपको आसानी होगी करने के अंदर। कोई गलती वाली कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है ऐसा, आप ये कर सकते हैं और मल्टीपल सबमिशन हो सकती है, यस इट इज़ पॉसिबल। तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो है गूगल क्लास के अंदर मौजूद हैं, इसमें जितना प्ले करें, जितनी चीज़ों को जमा करवाएं और अपना हैंड राइट करवा के, हैंड राइटिंग से करवाने के बाद भी आप जो है इसको थ्रू इमेजेस सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी आपके पास तो होगा क्या कि आपके पास चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी और आप उसको करवा भी सकते हैं। अच्छा हम जो मेन काम करने जा रहे थे वो करने ही जा रहे थे कैम्पटेशिया का, सही है। कैम्पटेशिया का जो हम करने जा रहे थे, कैम्पटेशिया में चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या कुछ चल रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग 21 मिनट की जो है आपने देखना है, 21 मिनट की हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। इसके अंदर हम कहाँ से शुरू हुए थे, इसके अंदर हम शुरू हुए थे कि आपने किस तरह से जो है कैम्पटेशिया को इंस्टॉल करना है, किस तरह से आप जो है कैम्पटेशिया को साइन इन करना है, किस तरह से आपने उसकी जो है वीडियोज़ बनानी है, किस तरह से आपने वह उसको कंप्रेशन करना है, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा दोबारा बता सकता हूँ। ये आपके पास इसके मेल इंटरफेस कैसा होगा, आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, आपने इसको जो है सबमिट कैसे करना है, आपने कौन सी वीडियोज़ आएंगी, ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं इसमें, तो ये सारे मैटर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ओके तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी टू राइट टू मी aoa@adnan@gmail.com और यू मे कॉल मी ऑन माई सेल नंबर एज वेल 0300-8234-205। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एन्जॉय टीचिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।